हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे अभी शाम हो गई है, शाम क्या, इनफैक्ट रात हो गई है। एंड यहाँ पे मैं ना विंडो बंद कर रही हूँ, मेरा डिनर हो चुका है और ईरू के कपड़े भी उतार रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड शाम को ना रात के टाइम मैं विंडो वगैरह सब बंद कर लेती हूँ क्योंकि मच्छर आने का डर रहता है इसीलिए। और फिर गर्मी जब होती है तो फिर रात में तो एसी चलता ही है। और अभी यहाँ पे गद्दा वगैरह भी हटा दे रही हूँ और एसी चला रही हूँ अब। ओके गाइस, अभी रात के 9:15 बज रहे हैं एंड मैंने 9:15 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है रात से। और अभी वर्मा जी जिम से आए नहीं हैं, मम्मी पापा वॉक पे गए हैं। पीहू की टीचर आई हुई हैं, वो उसको पढ़ा रही हैं। मंडे को पीहू का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, अभी तक उसका डिक्टेशन एग्ज़ाम चल रहा था, वो फिनिश हो गया है। अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं उसके, हाफ ईयरली वाले जो होते हैं वो। एंड ईरू को अभी सोने का टाइम हो रहा है। अभी आजकल ईरू बहुत मस्ती करने लगी है, वो रात में मतलब 10:30-11 बजे तक सोती है। पहले ये 9:30 तक तो सो ही जाती थी, अभी इसका थोड़ा सोना जो है वो कम होने लगा है। फ़ैन मैंने ऑफ कर दिया है। डिनर वगैरह मेरा हो ही चुका है और आज डिनर में मूंग की दाल सब्जी रोटी मैंने खाया था। पीयू का भी डिनर हो चुका है एंड अब इसको मैं, अभी मैंने नैपी वगैरह चेंज किया है पीछे। आज मैंने कपड़े बहुत सारे, कपड़े हर ऑल्टरनेट मेरे को धुलने ही पड़ते हैं ऑल्टरनेट डे पे, तो आज मैंने ईरू के कपड़े वॉश करे हैं इसके। रात में मैं आजकल इसको ना रॉम्पर वगैरह जो फुल होते हैं वो पहना देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई में, तो एसी चलता है रात में तो बार बार ये पैर से खोल देती है। वैसे स्वेडल रहता है ना तो ठीक रहता है, तो मैं स्वेडल भी करती हूँ इनकेस अगर खुल गया तो फिर फुल कवर रहता है ना, तो ये बहुत ही इजी रहता है पहनाने में, आराम से पहन लेते हैं बच्चे। और अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है अगर पैजामा वगैरह पैंट वगैरह पहनाओ ना तो वो कमर में गड़ता है, मतलब इसकी इलास्टिक जो होती है वो टाइट होती है। बट ये जो रॉम्पर्स होते हैं ना, ये वाले, ये पूरे ऊपर से नीचे तक होते हैं, तो बस आप जिप बंद कर दीजिए तो फिर पेट में टाइटनेस होने का कोई चांस ही नहीं होता है। हाँ, और अभी देखो ईरू जो हैं वो पूरा जो मैट है वो हटा लेती है पैर से। चलो मैं इसको ठीक करती हूँ। लोग पूछ रहे थे कि आप सरसों की पिलो लगाती हो क्या बच्चे को, तो जी हाँ, ये सरसों की पिलो है जो कि मैंने खुद से बनाई है स्टिच करके। तो ये देखिए, ये है और इसमें सरसों दाने भरे हुए होते हैं, तो बच्चे का जो हेड है ना वो फ्लैट नहीं होता है। हम लोग जो बचपन में भी मम्मी लोग हम लोग के लगाती थी, तो मैंने देखा है और सीखा है अपनी मम्मी पापा मतलब अपनी फैमिली से ही। सो मैंने ये बनाया था इसके लिए, पीयू के लिए मम्मी ने बना दिया था। पीयू के टाइम पे मम्मी आई थी लेकर के, तो मैंने इसके लिए खुद ही बनाया है ये। और अभी ईरू जो है वो खेल रही है, मस्ती कर रही है, बातें करनी है बहुत सारी। हाँ, करो मुझसे बातें करो। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है एंड 10 बज रहे हैं। आज है हमारे घर में कन्या पूजन। कल का व्लॉग मैंने वहीं पे रोक दिया था, उसके बाद कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने को, व्लॉग बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। एंड आज है अष्टमी, तो अष्टमी पूजा जाएगा। आज खाने में बना है छोले एंड आलू गोभी की सब्जी, वो कुक आंटी ने बना दिया था। एंड मम्मी ने अभी हलवा बनाया है बढ़िया देसी घी का। चलो देखते हैं बाहर क्या तैयारी हो रही है। मैंने नहा लिया है, शावर लेके अच्छे से। इधर हैं भारती दीदी। गुड मॉर्निंग भारती दीदी। बाबू तो नंगा नहीं है, बाबू तो अभी सो रहा है, सोने दो। अभी उठा था ना? हाँ, तो अभी सो रही है वो। और दादी पहुंचू क्या? हाँ, अंदर पहुंचना हो, पहुंच दीजिए। देखो देखो कौन आया। कायरा आ गई। हेलो कायरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कायरा। हेलो पीयू, हाउ आर यू? हाय।
तो बच्चे यहाँ आना स्टार्ट हो गए हैं और मैं यहाँ पे चादर बिछवा रही हूँ पीहू और वर्मा जी की हेल्प से। पीहू बहुत हेल्प करती है मेरी और छोटे छोटे कामों में उसको इस तरह से हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। अब उसको फील होने लगा है कि यस, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बड़ी दीदी हूँ, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है छोटी छोटी चीज़ों में। ईरा के लिए नानी ने दिया, थैंक यू। बैठो बैठो, आप ईरा को दे देना अभी, ठीक है? अभी तो ईरा सो रही है। अरे आप तो किधर भी घुस सकते हो। तो यहाँ पे अब दो तीन बच्चे ही बचे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, आज अष्टमी है और सबके घरों में आज ही कन्या पूजन है, तो नीचे मतलब बच्चे आते जा रहे थे और खा के जाते जा रहे थे। ऐसा हो रहा था कि सबका लाइन लगी हुई थी, अब मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है इस तरह से। एंड यहाँ भी खा करके पीयू को भी एक लोग के घर जाना है और एक जगह तो मैंने मना भी कर दिया उसे कि नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक ही सेम टाइम है और सेम सब उसी दिन है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। और ईरू भी बैठी हुई है, वो अपने उसी कैरी कॉट पे बैठी हुई है। वो तो पल्लवी आएगी ना अभी, ये घर पर खाएगा, ये इसका, चलो ठीक है, याद है times like all you want to do is run pihu pair bandho beta karu uthi le banana hai na banana ha banana rehega baki le gaya raat aate aate pe abhi wahan se aate aate bahut time ho gaya 10:30 ho gaya aage se khana khaya leo chapar chapar kiya दूसरे का चला है और ये अपने बूट पर। वेलकम बैक गाइस, अभी कन्या पूजन हो गया है एंड पीहू अभी गई है एक जगह और खाने के लिए, एंड ईरू को नहला करके तैयार करके सुला दिया है, वो भी सो गई है। मम्मी भी उधर है रूम पे और अब बस अभी लंच होगा, फटाफट से हम लोग लंच करेंगे। बच्चों ने बहुत थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि उनकी ना आज अष्टमी है, तो उनकी बहुत जगह जाना है बैक टू बैक, उन लोगों को 5-6 जगह इस तरह से जाना होता है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने ऐसे ही बस खा लिया, चख लिया। और इस बार मैं कुछ भी उनके लिए लेके नहीं आ पाई, हर बार मैं जाती हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कन्या पूजन में लेके आती हूँ, बट इस बार रह गया, तो बस ऐसे ही पैसे दे दिए, फल दे दिया है। कल आपका पेपर है इंग्लिश का, ठीक है, अभी बैग लगाना रहेगा। क्या जा कर रही हो, क्या क्या जा कर रही हो, हटो, अच्छा हटो बेटी, हटिए। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए थोड़ा सा क्राउन एरिया का जो मेरा बाल है ना वो फोल्ड हो गया है हेयर वॉश करने के बाद, मैं यहाँ पे अगारो का ये
हेयर स्ट्रेटनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसकी हेल्प से बाल फटाफट से कॉम भी हो जाते हैं एंड ब्रश भी हो जा मतलब स्ट्रेट भी हो जाते हैं। ये देखिए ऐसे, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो मेरे को बहुत पसंद है। जब भी मुझे ऐसा करना होता है ना कि लेट हो रहा है और आपको अपना बाल भी स्ट्रेट करना है एंड कॉम भी करना है, तो सुबह से मैंने बालों को कॉम नहीं किया था, अभी स्टार्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी हेयर ब्रश है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर लोग पूछते हैं ना बाद में, फिर मैं भूल जाती हूँ बताना, इसीलिए जब मैं यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। पीयू का टाई पीछे टंगा हुआ है, ये पीयू आपकी टाई, बस थोड़ा सा ही टचअप कर लो और हो जाता है। यहाँ पे आपको बटन वगैरह मिल जाते हैं तो बहुत इजीली मतलब आपका आप टेम्परेचर हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो। तो चलो अभी हमारे घर एक गेस्ट आने वाले हैं तो बालों को मैं टाई कर लेती हूँ पूजा देखने के लिए। हाँ चलो 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 चलो, ऊपर खड़ी हो जल्दी जल्दी। हाय बेबी, हम लोग अभी मार्केट में जा रहे हैं। मार्केट नहीं, दुर्गा जी देखने जा रहे हैं। लेट्स गो। पीयू का हैंग ईरू का हैंकी क्यों इतना अच्छा है? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे एक फ्रेंड आने वाले हैं तो वो आए थे। उसके बाद हम लोग डिनर वगैरह करने के बाद सोचे चलो दुर्गा पूजा देखने जाते हैं, क्योंकि अब ख़त्म ही होने वाला है दुर्गा पूजा। तो मुंबई में बहुत ही ब्यूटीफुल दुर्गा पूजा, सस्ता है, टुलिप होटल में, सो जुहू में है वो, वहीं जा रहे हैं हम लोग। चलिए आज आपको भी दिखाते हैं, पहली बार मैं भी जा रही हूँ एंड आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। उस साइड जाते हैं ना, दलिया सब गर्ल्स बहुत अच्छी लग रही हैं। चलो चलो चलो, देखो भीड़। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और बच्चों को लेकर के आना भी बहुत मुश्किल है। वर्मा जी बाहर ईरू को लेकर के खड़े हैं और ये देखिए प्यारी सी दुर्गा जी का मूर्ति है यहाँ पे, बहुत सुंदर है, आप लोग भी दर्शन करिए। चलो सर बाहर चलो। दादा दादी के साथ इधर खड़े हो, मदर जाइए। बार बार
तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं और हम लोग तो वापस जा रहे हैं। यहाँ पे पापा जी ने ईरू को ले रखा है, तो आज पहली बार ईरू विद फैमिली बाहर घूमने आई है। अभी तक तो सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह ही जाते थे और कन्या पूजन भी अच्छे से हो गया है। चलिए चलें वापस अपने घर। क्या फायदा हुआ? क्या करना था?